बीएफ स्किनर ते क्वेश्चन अक्सर साइकोलॉजी टेट यूजीसी नेट एग्जाम विच पूछे जाते हैं। उसके बेसिक क्वेश्चन की गल इस वीडियो की जाएगी, नाल होएगा कि जे एक्सप्लेनेशन ते लॉजिकल ट्रिक्स ने वो दसे जान के किसी इनफॉर्मेशन किस तरह जल्दी रिकॉल कर पाना है। बेसिक क्वेश्चन ने जिन्हां नूं जान के ही तुसी एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बी एफ स्किनर एसोसीएटड विद? बी एफ स्किनर दे सीखण दे किहड़े सिद्धांत नाल संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, कोग्नेटिव डिवेलपमेंट थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग याद होएगा? नहीं याद। तक क्लासिकल दा इक्को शब्द है पावलोव। दूसरा प्लस हुंदा है बाद विच जिन्हां ने कीती सी वाटसन 13 विच। देखो मैनू किस तरह याद है, वाटसन दे डब्ल्यू नूं मैं एकदम ए 13 3 बना लेना है। 1913 विच उसकी थ्योरी आई सी, पर पावलोव दा पावलोव पंजाबी च लिख के उसका 4 बना लेना है। 1904 विच पावलोव दी थ्योरी आई सी। लेकिन इत्थे पुछया गया है बी एफ स्किनर दी ते जेकर टाइमलाइन देखनी होवे बिहेवियरिज्म दी, पहला पावलोव, उस तो बाद वाटसन, और उस तो बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है जो कि बी एफ स्किनर द्वारा दी गई है। ऑपरेंट शब्द जिथे भी आता है उसनु स्किनर नाल एसोसिएट एकदम कर लो। थोड़े नाल वादा किया है कि कुछ नुक्ते भी दसने ने, याद किदा रखना है वैसे औखा नहीं है, एक दो बार रेपीटेशन हुई है तुसी ईजीली कर सकते हो। याद रखना है तो मैं इदा रख सकता हाँ कि स्किन द ऑपरेशन, स्किन द ऑपरेशन, ऑपरेशन या ऑपरेंट नाल जुड़ गया, स्किनर ऑपरेंट। राइट आंसर इज ए। अलग तो पढ़ा यहाँ के कोग्नेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी वाइगोत्स्की की भी है, प्याजे भी है, ब्रूनर भी है, वक्रे तौर पर डिस्कस करांगे। इतने आप वाइगोत्स्की इतने स्किनर से ज़्यादा फोकस करना है। वट इज़ द नेम ऑफ द एपरेटस दैट स्किनर यूज टू स्टडी ऑपरेंट कंडीशनिंग इन रैट एंड पीजनस? स्किनर ने चूहों के कबूतरों में ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन करने वरते गए उपकरण का नाम की सी? स्किनर बॉक्स, स्किनर अपरेटस, स्किनर एक्सपेरिमेंट केज, स्किनर रूम। राइट आंसर वेरी ईजी, ज्यादा एक्सप्लेनेशन बॉक्स नू याद रखना है। नेक्स्ट है, स्किनर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। वैसे पिछले क्वेश्चन विच इसका उत्तर आ चुका है, फिर भी तुसी मैं जे अपने आप नू समझदे हो कि तुहाडी तैयारी है तो उत्तर दे के देखो। रैट्स एंड डॉग्स तुसी कहोगे नहीं, रैट्स एंड चिंपैंजीज तुसी कहोगे नहीं, चिंपैंजी नहीं सी, तुसी कहोगे रैट मैनू पता है, रैट मैनू पता है ना, चूहों का पता है, चूहों का पता है, कबूतर अते चूहे तुसी एकदम राइट आंसर ला दोगे। पर इस तो पहला अगला ऑप्शन भी पढ़ लो, चूहे ते कबूतर। हुण एक क्वेश्चन केड़ा बनता है जिसनों बेस्ट आंसर क्वेश्चन कहते हैं, इतने तुसी इनू डर डिलीट कर लिया कि कुत्ते ते पावलोव ने किया ही, चिंपैंजी ते कोहलर ने किया सी, इसनों डिलीट कर दिता। लेकिन कबूतर ते चूहे, चूहे ते कबूतर, इन्हां दोनों विच एक है, तुसी किवें चूज करोगे? हुण ये ऑप्शन बड़ी चलाकी ना पाए गए हैं कि पहला चूहों ते होया सी जां पहला कबूतर ते होया सी। ये जानकारी इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करने लिए चाहिए है, सानू लगता सी कि पिछे इन्फॉर्मेशन दिती गई है, इत्थे कम आ जाएगी, शायद आ भी गई होवे। पहला चूहों ते कीता गया सी इनिशियल स्टेज ते, उस तो बाद स्किनर बॉक्स विच कबूतरां ते एक्सपेरिमेंट किए गए सन। सो डी इज राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन नू सॉल्व करके असी दो जानकारियां हासिल कीतियां हां कि पहला ते बाद विच। अच्छा, स्किनर बॉक्स की सी है, ए सी इमेज देख सकते हो, ए लिखिया भी होया है ए स्किनर बॉक्स, जिहदे विच भुखे पिजन नू जां रैट नू जिवें पिछे इमेज विच देखिया है कैद किया जाता है ते वह मूव करता है। इस ऑपरेटस नाल स्किनर कंट्रोल करता है, दैट इज वाई जिस करके टीचर सेंटर्ड अप्रोच बनती है, क्योंकि इत्थे स्किनर है तो स्किनर जदों चाहे कबूतर नू इत्थों प्रेस करके दाना दे दिंदा है, इत्थे ग्रेन का दाना आ जाता है। कबूतर की मूवमेंट जिहड़ी उसनू बैटर लगती है, बेस्ट लगती है, जिसनू डिजायरेबल बिहेवियर कहने हाँ, जिवें टीचर नू अच्छा बिहेवियर लगता है तो उसनू टॉफी दे दे, बस इन्नी की स्टोरी है कि जदों कबूतर का राइट रिस्पोंस या बैटर रिस्पोंस लगता है उदों ही वह क्लिक करके इत्थे दाना दे दिंदा है, हौली हौली वह रिपीट करता जाता है उस बिहेवियर नू। सो उहदियां मूवमेंट का ग्राफ इत्थे बनता है। इस तरह इस स्किनर बॉक्स नू यूज किया गया एक्सपैरीमेंट लई जिस तो पैदा हुई ऑपरेंट कंडीशनिंग। नैक्सट क्वेश्चन है, वट इज़ द स्किनर बॉक्स यूज फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपैरीमेंट? टू ऑबजर्व एंड रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ सबजैक्ट। सबजैक्ट का मतलब है इत्थे कि जिस ते एक्सपैरीमेंट किया गया,
ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इथे कौन रैट्स सब्जेक्ट ने, पिजन कबूतर सब्जेक्ट ने। ओके, टू कंडीशन द सब्जेक्ट, कंडीशन मीन लर्निंग, असी कीता सी पावलोव विच कंडीशन दी सी पानी है, उसका एल बना लेना है लर्निंग। द सब्जेक्ट टू परफॉर्म ए स्पैसिफिक बिहेवियर, किसी खास व्यवहार को पैदा करने इसका प्रयोग किया गया है। टू रिवार्ड द सब्जेक्ट फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क, स्किनर ने कोई भी इदा का काम नहीं दिता कि उस टास्क नू कंप्लीट करन ते भोजन मिलता है। जो ये थ्यूरी पढ़ोगे उदो समझ आएगी कि पावलोव वाटसन ते थॉर्नडाइक दे एक्सपैरिमेंट की फर्क सी। ए स्टैप बाय स्टैप गोल वल लैके जाता है, वो सीधे स्टिमुलस ते रिस्पोंस ते रहिंदे ने। इत्थे चेन बनती है, उन्होंने थ्यूरी विच चेन नहीं बनती, सो ए वाला ऑप्शन गलत होएगा। टू पनिश द सब्जेक्ट फॉर अनडिजायरेबल बिहेवियर, पनिशमेंट ते पनिशमेंट नू स्टडी किया गया है लेकिन पनिशमेंट ते जोर नहीं दिता गया अनडिजायरेबल बिहेवियर ली, दैट इज़ वाई इस नू रिजेक्ट किया जाता है। हुण इन्हां विचों राइट आंसर है नैचुरली जिन्ने भी ऑपरेटस बनाए गए हैं ओ, क्योंकि साइंस का काम की है, साइंस का एक फीचर की है ऑब्जरवेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल। डिपेंडेंट वेरीएबल इत्थे उसका रिस्पोंस है, रैट्स का पिजन का रिस्पोंस है। दूसरा रिकॉर्ड करना कि मूवमेंट किदा हुई है, कितनी देर बाद रिस्पोंस दिता, उसका की ग्राफ बनता है, उसने कितना टाइम लिया, है ना, इस तरह दी गल्लां नू रिकॉर्ड करना। सो ए इज राइट आंसर। विषय विषय मैनू कबूतर ते रैट दे व्यवहार नू देखण लई, मतलब ऑब्जर्व करन लई अते रिकॉर्ड करन लई राइट आंसर है। नैक्सट है साडे कोल क्वेश्चन स्किनर दा, वट इज मीनिंग ऑफ टर्म ऑपरेंट अकॉर्डिंग टू स्किनर, एक्टिव बिहेवियर, पैसिव बिहेवियर, बिहेवियर टू ए स्टिमुलस, मोटिवेटिंग बिहेवियर। सर गर्म व्यवहार, पैसिव व्यवहार, एक उत्तेजना लिए व्यवहार, प्रेरित व्यवहार। पैसिव व्यवहार पी फॉर पैसिव, पी फॉर पावलोव, क्योंकि डॉग नू हर तरह ना बन्या होया सी, हिल ही नहीं सकता, इहदे विच कबूतर हिल सकता है सिर्फ जिस ए एन ए नू कंपेयर करना है, तो जो क्योंकि वह हिल सकता है इट मीनस एक्टिव है, इसलिए राइट आंसर इत्थे असी ला लांगे। लेकिन ये क्यों गलत है भी जान लेना चाहिए है, बिहेवियर टू ए स्टिमुलस, कारण है की है कि कबूतर या रैट किसी भी स्टिमुलस लई व्यवहार नहीं करते जिमें कि पावलोव करते हैं, इतने तो व्यवहार करते हैं बिना स्टिमुलस नू जाने, दाना कितों मिलना है, दाना उन्होंने सामने पिया है ग्रेन का, नहीं उन्होंने नहीं पता। मोटिवेटिंग बिहेवियर नो, सो राइट आंसर इज एक्टिव बिहेवियर। मोस्ट क्लोजली रिलेटेड फ्रेज ऑफ लर्निंग थ्यूरी ऑफ बी एफ स्किनर, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, किस तो इनाम ते सजा, स्टिमुलस एंड रिस्पोंस, उत्तेजना ते जवाब एसोसिएशन, स्टिमुलस रिस्पोंस एसोसिएशन तो पावलोव, रीइनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट एक फंडामेंटल दसदा, जिथे भी बी एफ स्किनर आएगा उत्थे रीइनफोर्समेंट शब्द नू ना भुल्यो, इस ते फोकस सब तो ज्यादा करियो। जे तुहानू लगता है इहदे विच रीइनफोर्समेंट ते पनिशमेंट है, इत्थे रिवार्ड ते पनिशमेंट है, एक गल याद रखनी, रिवार्ड जनरल हुंदा है, रीइनफोर्समेंट स्पैसिफिक रिस्पोंस लई ते लर्निंग नू एनहांस करन लई हुंदा है। हर रिवार्ड लर्निंग लई होएगा यह जरूरी नहीं है, किसी होर वीडियो च गल करांगे। सो स्पैसिफिक शब्द जिहड़ा है वह मजबूती इत्थे लिखिया है, तुसी इस नू लिख लेना है प्रतिबलन, जां कह दिंदे हन पुनर्बलन। चौथा ऑप्शन है ऑपरेंट बिहेवियर इन लर्निंग, सो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है री इनफोर्समेंट, इको एक शब्द ते पनिशमेंट उसका ओपोजिट आ जाता है, उसकी स्टडी की है लेकिन उसते जोर नहीं दिता। राइट आंसर असी सी नू चुनांगे, पुनर्बलन ते सजा इस दे सब तो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड आस्पेक्ट ने। जो भी ये थ्यूरी पढ़नी है स्किनर पढ़ना है, चलो इस नू एसोसिएट कर ही लो, इत्थे तुसी स्किनर लिखिया, स्किनर का आर चको, आर तो री इनफोर्समेंट, इनू लिख लो कॉपी पे, स्किनर री इनफोर्समेंट। स्किनर बॉक्स आलसो नोन एज, अच्छा स्किनर बॉक्स पिछे किया सी, उसका दूसरा नाम की है ऑपरेंट कंडीशनिंग केव, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, ऑपरेंट कंडीशनिंग सैल, स्किनर एक्सपैरिमेंटल पजल। थॉर्नडाइक के एक्सपैरिमेंट नाल पजल जुड़ता है, ये इत्थे थॉर्नडाइक की गल की जा सकती है लेकिन इत्थे सिंपल आंसर चैम्बर, पहला सी स्किनर बॉक्स बी तो बाद सी, बी एंड सी, स्किनर बॉक्स एंड सी, स्किनर बी सी याद हो गया, एक बार लिखते हैं ना तो याद हो जाता है। वट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग,
प्रतिबिंब ते अनइच्छत व्यवहार रिफ्लैक्सिज एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर असी जानते हाँ पावलोव जिन्हां ने तुसी देखी होगी पावलोव का आर का पी इत्थे बना लो बहुत सोहना बन जाएगा बेशक इसका कलर बदल लो होर सोहना हो जाएगा। सो पावलोव जो गागने की हायरार्की देखते हाँ सब तो लोएस्ट लैवल इत्थे इमेज नहीं है चलो दिखा दांगा पावलोव दे दी क्लासिकल कंडीशनिंग नू लोएस्ट लैवल ते क्यों रखा जाता है क्योंकि रिफ्लैक्सिस ते फोकस है रिफ्लैक्स की होंगे है जो नर्वस सिस्टम का रिस्पोंस है जो अनकॉन्शियस माइंड का रिस्पोंस है जो तुहाडी इच्छा तो बिना रिस्पोंस है तो यह पावलोव का है। लेकिन एक स्टैप अगे जाके थॉर्नडाइक अगे जाता है और स्किनर जाता है गागने की सैकेंड स्टेज पर वॉलंटरली बिहेवियर आता है तुसी इच्छा ना मूव इधर उधर करते हो है ना एंड इट्स कॉन्सीक्वेंसिज वेरी गुड। जे री इनफोर्समेंट तो बाद दूसरा शब्द लेना है कि केड़ा स्किनर ना सब तो ज्यादा जुड़ता है तो कॉन्सीक्वेंसिज होएगा। सो असी की लर्न किया स्किनर लिखिया स्किनर दे आर तो री इनफोर्समेंट लिख लिया और स्किनर बॉक्स लिख लिया बॉक्स ते सी लिख लिया चैम्बर है ना पूरा लिख लेना और इस तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सी तो कॉन्सीक्वेंसिज कॉन्सीक्वेंसिज ये लिख मैं क्यों रहा हाँ लिख के याद हो जाता है। हुन मैं जो पिछले क्वेश्चन है तो इन्फॉर्मेशन हुई है स्किनर दे बारे हुए उसनों इस तरह अपनी कापी ते लिख लो जल्दी हो जाएगा। मेंटल प्रोसेसेस एंड रिकग्निशन राइट आंसर सानू मिल गया है बी लेकिन रोंग क्यों है जान लिए मेंटल प्रोसेसेस देखो मेंटल प्रोसेसेस एंड कोगनेटिव डिवेलपमेंट की गल जी इन्होंने की होंगी तो अजिहा नहीं सी होना स्टिमुलस एंड रिस्पोंस ए रिस्पोंस हुन स्टिमुलस ते रिस्पोंस दे विचकार की आंदा है कि इन्हां दे विचकार थिंकिंग आंदी है। देखो पावलोव दा जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो क्लीयरली कहती है कि नहीं आंदी थॉर्नडाइक ने क्लीयरली कहा सी थिंकिंग नहीं आई मेंटल प्रोसेसेस ने ओही बिहेवियरिज्म दे जिहड़े सारे बिहेवियरिज्म दा कोई भी थिंकर कहिंदा है ते मेंटल प्रोसेसेस जिस दा थिंकिंग रीजनिंग मैमरी ये नहीं आंदे ये क्लीयर है। सो इसका ये परपज नहीं है इसलिए इसनों रिकॉर्ड करते हाँ सोशल लर्निंग है इमिटेशन अल्बर्ट बांदरा की थ्यूरी है असी जानते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन वल जावांगे अकॉर्डिंग टू स्किनर वट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार मनुखी व्यवहार में भाषा की की भूमिका है ये इननेट है जन्म तो है पहला अगले रिस्पोंस पढ़ लीए ये जन्म तो ही है इट इज़ ए लर्नड थ्रू सोशलाइजेशन ये वैसे लॉजिकली लगता है थोड़ा टिक कर लें पर स्किनर साहब की कहते इट इज़ लर्नड थ्रू री इनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट मैं क्या सी पिछे उस क्वेश्चन यही शब्द इसलिए सिखाए सी कि कई क्वेश्चन दे सल्यूशन यही निकलने री इनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट री इनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। सो राइट आंसर सानू जल्दी मिल गया है इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इन ए शेपिंग बिहेवियर शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है लेकिन इतने नॉट इंपॉर्टेंट क्या है सो इसनों रिजैक्ट करते हाँ असं री इनफोर्समेंट तो पनिशमेंट सिलैक्ट करके राइट आंसर तो अगे चलते हाँ ये मजबूती तो सज़ा द्वारा सीख्या जाता है मजबूती की जगह पर पुनर्बलन इतने कर लेना लिख नहीं हो रहा कोई गल नहीं लिखा जाएगा इस ना मेरे ख्याल पहला आ चुका है पुनर्बलन है ना मजबूती हिंदी च कहीदा है कि सुदृढ़ीकरण दृढ़ीकरण है ना शायद सॉरी भी मेरे च कमजोरियां ने पर उस साफ दिखा रहा हाँ माफ़ी मंगदा उस लई। वट इज़ द बिहेवियर मोडिफिकेशन बहुत ज़्यादा टर्म यूज होंदी है तो ऑलमोस्ट बिहेवियरिज्म ना जुड़ती है बिहेवियरिज्म चो ओह सब तो ज़्यादा क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है स्किनर ना जुड़ती है द यूज़ ऑफ ड्रग्स टू मॉडिफाई बिहेवियर जे इस तरह होंदा तो एजुकेशन विच ना होंदा ड्रग्स करके इसनों रिजैक्ट कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ फिजिकल पनिशमेंट टू मॉडिफाई बिहेवियर पनिशमेंट ते जोर ज़्यादा नहीं है भैया री इनफोर्समेंट ते जोर है ज़्यादा एक गल स्पष्ट हो जानी चाहिए है। द यूज़ ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्नीक टू मॉडिफाई बिहेवियर वेरी गुड ये तो होया ना ऑपरेंट की सी एक्टिव बिहेवियर कंडीशनिंग टू टेक्नीक ये बिल्कुल ठीक दे करीब है। द यूज़ ऑफ कोगनेटिव बिहेवियर थेरेपी CBT नो
क्लीनिकल साइकोलॉजी सी बी टी यूज होंगी है, कितने सर्च मार के देख लियो। अब नॉर्मल साइकोलॉजी है जिहड़े डिसऑर्डर ने, फोबिया है, स्कीजोफ्रेनिया है, जां बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह के बड़े डिसऑर्डर ने, उन्हां विच जिथे पॉसीबल होवे काउंसलिंग यूज होंगी है। तो मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर टेक्नीक है कोगनेटिव एंड बिहेवियर थैरेपी, जो कंबीनेशन है कोगनेटिविज्म ते बिहेवियरिज्म दा। अगे चलते हाँ, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर दे सीखण दे सिद्धांत दे मुख फोकस की है? बोधात्मक प्रक्रिया, जेनेटिक, वातावरण कारक, भावनात्मक। सो सिंपल आंसर, जिथे जे तो तुहानू पता है कि बिहेवियरिस्ट सी, बिहेवियरिस्ट सी स्किनर, ये पता है, तो वो ई चक के लिख लो कि एनवायरमेंटलिस्ट भी सी। उन्नी कोई भी बिहेवियरिस्ट एनवायरमेंट भी होएगा। जे ये याद नहीं रहा, जिस भी थ्योरी विच स्टिमुलस ते रिस्पोंस आता है, जां रिस्पोंस ते स्टिमुलस आता है, उल्टा आता है, है ना, जां एस ओ आर आता है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पोंस, हल की थ्योरी है, उसका मतलब कुछ नहीं है। स्टिमुलस सारे मिलकर बनते हैं एनवायरमेंट। सो स्किनर, हल, गुथरी, थॉर्नडाइक, पावलोव, वाटसन, ये सारे बिहेवियरिस्ट हैं, सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स की गल करेंगे। सेंट्रल आइडिया यही है, दैट इज वाई सी इज राइट आंसर, वातावरणक फैक्टर। पावलोव द क्लासिकल कंडीशनिंग दे कुछ वीडियो विच, शुरुआती वीडियो विच चंगी तरह दस्या है कि इन्हां नूं याद किदा करना है। सो वातावरण की होया कि ये जो स्किनर है ये कंट्रोल कर सकता है कि कदों इन्होंने ग्रेन देना है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कदों ग्रेन देना है, इन्होंने हाथ च है, जिससे भी ग्रेन मिलता है उस तरह का व्यवहार शेप होना शुरू हो जाता है। सो इतने स्किनर जो काम कर रहे हैं एज ए टीचर कर रहे हैं, सो टीचर चाहे रीइनफोर्समेंट जिस बिहेवियर नू देगा, लर्नर का बिहेवियर उस तरह का हुंदा रहेगा। दैट इज़ वाई इस इंस्ट्रूमेंटल या एनवायरमेंटल फोर्स से ज़्यादा करीब मनिया जाता है। वट इज़ द स्किनर्स व्यू ऑन नेचर एंड नर्चर, ये असं जानते हाँ, जे नहीं जानते तो आप जान लें, कोई गल नहीं है। नेचर का मतलब पेन बदल लीए, ठीक है, मेरे ख्याल नेचर का मतलब जीनैटिक या हैरिडिटी एच लिख दिता है, नर्चर का मतलब एनवायरमेंट। जिन्हें इन्नी गल पता है कि एनवायरमेंट है तो सानू ये पता हो जाना चाहिए है नर्चर का मतलब एनवायरमेंट है। तो हूँ ही गल करके आए हाँ स्टिमुलस रिस्पोंस की, जिहड़ा भी गल करता है वह एनवायरमेंटलिस्ट है, वह सारे बिहेवियरिस्ट है, पिछे गल कर आए हाँ। सो इतों ये क्लीयर है कि बी एफ स्किनर भी नर्चर पर ज़्यादा जोर देगा, कितने दाना देना है, किड़े बिहेवियर पर नहीं दाना देना, किस बिहेवियर पर ग्रेन का दाना रीइनफोर्समेंट जी पिछे कर लेनी है, टीचर ने टॉफी, शाबाश, आशीर्वाद, स्माइल, ये सारिया रीइनफोर्समेंट है ना, पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट, टीचर के हाथ में है। सो पेरेंट्स के हाथ में है, इसलिए नर्चर पर जोर देगा, जिहड़ी भी ऑप्शन नर्चर पर ज़्यादा जोर देती है वो ठीक होएगी। ही बिलीव दैट नर्चर इज़ मोर इंपॉर्टेंट, नेचर इज़ मोर इंपॉर्टेंट, जीन्स इतने गलत हो गया। ही बिलीव दैट नर्चर इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन नेचर, यस ये ठीक है। ही बिलीव दैट बोथ नेचर एंड नर्चर आर इंपॉर्टेंट, ही डज नॉट हैव ए पोजिशन ऑन द नेचर एंड नर्चर, नो एनवायरमेंटलिस्ट सी, एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट जो पुछे, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटसन है ना, एक डजन बच्चे मैनू इदा दे दौ, तो 20 साल बाद जो डॉक्टर चाहोगे डॉक्टर मिल जाएंगे, भिखारी चाहोगे भिखारी मिल जाएंगे, किस तरह बनेंगे, रिवार्ड एंड पनिशमेंट या रीइनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट या एनवायरमेंट। ना वट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी रीइनफोर्समेंट, प्राइमरी रीइनफोर्समेंट की उदाहरण की है, प्राइमरी की है, जीना है, इन्हां विचों की प्राइमरी है भी तुहाडे लई, लव, फूड, अठ, सैक्स, जे दोनों बेसिक च आंदा है, कोई 5-7 दिन भुखा है उसनों सैक्स नीड पैदा होएगी, जब तक पहली नीड पूरी नहीं होंदी दूसरी नीड वल असीं नहीं तुरदे। प्यार दियां कहानियां, प्यार पाउणा, वैलेंटाइन डे मनाउणा गरीब लोकां लई नहीं हन, जिहड़ां नूं 2-2, 4-4 दिन रोटी नहीं नसीब होंदी, जिउंदे रहना है, सिंपल गल है। हाँ पैसे नाल जीवन चल जाएगा, पैसे नू खा लोगे, पैसे नू पी लोगे, प्रेज नाल प्रेज नू खा लोगे, प्रेज नू पी लोगे, कि फूड नू खाओगे, फूड नू पीओगे, ग्रेड्स मिले है, शाबाश मिले है, स्टार मिलिया है बच्चे नू, उसनू खा लेगा नहीं, पहली नीड है फूड, इस तो बिना तुसी देखो जिन्नियां भी ए
थ्यूरीज ने पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग है बेशक स्किनर दी है किस पिजन नू डॉग नू रैट नू की रखा जाता भुखे रखा जाता है ता जो फूड की तलाश में कुछ चेंज आ जाए सो लर्निंग का सोर्स भी प्राइमरी ज़्यादा बन रहा है सो फूड इज़ प्राइमरी रीइनफोर्समेंट सिंपल है इसका नुकता की है प्राइमरी की चीज़ होंगी है जो जीवन लिए जरूरी है जीवन लिए जरूरी है लिविंगली लिविंगली जरूरी है साह लैन लिए जरूरी है शरीर के चलते रहने लिए जरूरी है सर्वाइवल लिए जरूरी है। नैक्सट है वट इज़ द स्किनर्स व्यू ऑन पनिशमेंट एज ए मैथड ऑफ बिहेवियर ऑफ मोटिफिकेशन व्यवहार में सोधन की विधि वजो सज़ा बारे स्किनर के विचार की सन ये बेअसर है ये एक जरूरी बुराई है इस तरह दिया गल्ला उन्होंने नहीं कीतिया कि जरूरी बुराई है उन्होंने रिसर्च की है उसके उन्होंने फाइंडिंग्स देनी है रिजल्ट देने हैं। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मॉडिफाई बिहेवियर मोस्ट इफेक्टिव पनिशमेंट कदे भी नहीं नाले जो सुपरनेटिव डिग्री वरती गई है उसनों टैग वाली वीडियो जड़ियाँ कड़िया उन्होंने दसिया है इस तरह का शब्द होंगे और रोंग रिस्पोंस ही होंगे है। इट शुड ओनली ओनली आ गया यह मोस्टली गलत होया ओनली बी यूज इन एक्सट्रीम केसिज सो ये एक्सट्रीम वर्ड है इन्हों के आधार पर रिजैक्शन सीधी हो जाती है गैस वर्क है सो इट इज़ इन इफेक्टिव एक्चुअली उसने कहा कि जो पनिशमेंट ना चेंज होता है बहुत ट्रांजिटरी होता है और इमोशनल बैड रिएक्शन बच्चे दे लर्नर दे आंदे है दैट इज़ वाई इट इज़ इन इफेक्टिव राइट आंसर इस वट इज़ द टर्म फॉर प्रोसैस बाय विच बिहेवियर दैट हैज़ बिन लर्नड वन सिचुएशन इज़ अप्लाइड टू अनदर सिमिलर सिचुएशन मैनू तो नुकता याद सी मैं पहला किया कि अप्लाई करना है इसनों रेड कलर कर लें हाँ हाँ अप्लाइड नो और सिमिलर सिचुएशन बस इन्ना याद किया जो ये सिमिलर सिचुएशन सी तो मैं आ गया क्योंकि मैं जनरलाइजेशन दी एस फड़ के एस नाल जोड़ी हुई सी। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन वन विच सिचुएशन एस वन विच कुछ लर्न किया है तो 90% सिचुएशन टू एस टू 90% ये मैच करती है तो प्रोबेबली जो इतने लर्न किया है सिचुएशन टू चो बच्चा अप्लाई करेगा सिमिलर सिचुएशन दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज जनरलाइजेशन इतने लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। वो प्रक्रिया ली शब्द की है जिस द्वारा एक स्थिति विच सीखे गए व्यवहार में होर समान सिमिलर स्थितियों विच लागू किया जाता है वितकरा आकार देना साधारणीकरण अलोप हो जाना सो अलोप हो जाना नहीं है अलोप हो जाना होंगे है किसी रिस्पोंस का खत्म हो जाना स्टिमुलस से कोई रिस्पोंस ना आना है ना। शेपिंग कॉम्पलैक्स बिहेवियर लर्न करना होंगे है डिस्क्रिमीनेशन होंगे है कि डिफरेंट सिचुएशन तुसी डिफरेंट रिस्पोंस देंदे हो इतने डिफरेंट सिचुएशन है लेकिन सेम रिस्पोंस दे रहे हो दैट इज़ वाई जनरलाइजेशन उस दी एस में याद रखी सी ईजी करने लिए राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग द बिहेवियर विच आर री एनफोर्स्ड आर लाइकली टू बी रिपीटेड बाय लर्नर सॉरी मैं बोल दिता संचालन कंडीशनिंग के अनुसार वह व्यवहार जो पुनर्बलन होंगे देंदे हैं दिता जाता है जिसन सीखने वाले द्वारा डैश होने की संभावना होंगी है दोहराए जाने की ना दोहराए जाने की उसके घटन की प्रभावित प्रभाव ही नहीं उसते कुछ पैंता। हुण एक नुकता याद रखना जो भी शब्द रीइनफोर्समेंट आता है शब्द रीइनफोर्समेंट जो भी आता है खास तौर पर उसनों पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट की एग्जाम्पल याद रखनी है कि खुशी देनी बस इन्नी गल याद रखो जे बच्चे नू टॉफी दिती जांदी है खुशी मिल रही है ना बच्चे नू चॉकलेट है समाइल है शाबाश है आशीर्वाद है ना इधर कबूतर नू ग्रेन दा दाना मिलता है चूहे नू उसकी खुराक मिलती है सो वो पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट है। जेड़ा शख्स तुहानू टॉफी देगा प्यार देगा आशीर्वाद देगा समाइल देगा हग करेगा नैचुरली है उस बिहेवियर नू उत्थे तुसी बार बार जाओगे इसलिए रिपीटड यही बेसिकली लास्ट क्वेश्चन ने क्यों बनाया है क्योंकि यही सेंट्रल आइडिया है स्किनर दी ऑपरेंट कंडीशनिंग दा। किसी तरह का होर सवाल होवे पूछ सकते हो इस तो बाद एडवांस्ड क्वेश्चन जरूर आनगे वो इन्हां दे प्रिंसिपल्स ते इन्हां दे क्रिटिसिज्म ते थ्यूरी ते और दूसरियां थ्यूरी नाल कंपैरिजन ते होणगे जब तक ये बेसिक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेंगे एडवांस क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे। स्किनर ते होर लर्निंग थ्यूरी नाल रिलेटेड वीडियो दे लिंक नीचे दिते गए हैं देख सकते हो किसी होर तरह का तुसी एरिया ते क्वेश्चन चाहिए हैं
उस दे कंसेप्ट नू एनालाइज करके ऑर्डर विच रख के फिर कोगनेटिव स्ट्रैटेजी मैमरी स्ट्रैटेजी लॉजिकल स्ट्रैटेजीज नाल अप्लाई करके थोड़े सामने पेश कर सकता हाँ। सो तुसी ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू। लर्न टू एक्चुलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह।